सुबह 5 बजे मैं चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक शुरू कर चुका हूँ। ये शुरू होता है नीचे चौपटा से। चौपटा एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से एक गेट ऊपर की तरफ आता है, वो गेट सा बना हुआ, घंटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से वो पकड़ के आप ये ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद ओखीमठ, ओखीमठ से आप यहाँ सीधा आ सकते हैं चौपटा में। पहाड़ों का रंग देखिए, ऑरेंज सा हो गया हल्का हल्का और रेड सा भी है। उसकी जो किरणें हैं वो बर्फ़ पे पड़ रही हैं ऊपर। कई लोग स्पेशल जो सनसेट है और सनराइज़ है यहाँ पर वो देखने आते हैं। 1 किलोमीटर का ट्रैक कराया हूँ, ये जो टोटल ट्रैक है वो 3.5 किलोमीटर का है। उसके ऊपर जो चंद्रशिला है वो आई थिंक 1.5 किलोमीटर और ऊपर है, वो करेंगे। चौपटा में अगर आप लोगों ने रहना है तो आपको 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अकेला है तो उसके लिए डोरमेट्री मिल जाएगा आपको 500 रुपये में। यहाँ पर चारा गायें हैं, इनको यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बुग्याल बोलते हैं। ये घास के मैदान यहाँ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ऊपर हाइट पे पेड़ कम होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है और जो बर्फ़ होते है वो पिघलती है, तो उस बर्फ़ के पानी से यहाँ पर ग्रीनरी हो जाती है। धूप आ गई है ऊपर, काफ़ी पड़ रही है आँखों में, तो आँखें खोलने भी मुश्किल पड़ रही हैं। मैं नीचे से आया हूँ, आप देख सकते हैं कितनी नीचे से ये है, और जगह जगह फ्लावर्स वगैरह देखते आया हूँ, अलग अलग यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं। तो दुकानें भी मिल जाएंगी आपको खाने पीने की रास्ते में, तो आप लोग खाते जाइए और पानी पीते जाइए और चढ़ते जाइए। सुनील दादा मेरे साथ हैं बंगाल से, ये ट्रैकिंग करते हुए यहाँ आए हैं ऊपर तक और ये ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो सुनील दादा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तो सुबह 5 बजे हम ट्रैक स्टार्ट किए थे नीचे से और मौसम इतना अच्छा है, पूरा मज़ा आ गया। एक छोटा सा भी बादल नहीं है इधर, पूरा आसमान साफ है। अगर आप दिखाएंगे इधर से बैकग्राउंड को, हाँ जी, तो पूरा देखने को मिल रहा है। इधर चौखंबा, त्रिशूल सब देखने को मिल रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि बहुत क्राउड कम है, इसलिए हमको जो नेचर का जो फील और फील बहुत सुंदर से आ रहा है और मज़ा भी ज़्यादा आ रहा है ट्रैकिंग का। अच्छा, तो ये हैं इनके साथी लोग साथ में, ये मैम है, ये भी चढ़ रहे हैं, टीचर हैं स्कूल में। सो आप लोग जब ट्रैक करते हैं, सोलो भी करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं। हाँ। और जब मिलते हैं तो आप बातें एक दूसरे से करते हो, दूसरे की स्टेट के बारे में पता चलता है, दूसरे लोगों के नेचर के बारे में पता चलता है, वहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं उनके बारे में पता चलता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आप लोग चलते जाइए और बातें करते जाइए। भगवान शिव जो थे महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों से नाराज़ थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम हुआ था। पांडव जब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, भगवान शिव को खुश करने के लिए यहाँ पहाड़ों में निकले, वो गढ़वाल हिमालय में पहुँचे, तो भीम ने यहाँ पर एक बैल को चरते हुए देखा। भीम को लगा कि भगवान शिव जो हैं वो फिर से गायब ना हो जाएं, इसलिए भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली और टांगें पकड़ ली। उसके बाद जो बैल है वो धरती में समा गया। बैल के समाने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा भगवान शिव का, वो था भुजाएं। भुजाएं इस मंदिर में है, उसकी पूजा की जाती है। ये मंदिर 5 केदारों में से एक मंदिर है। इस मंदिर की ये खासियत ये है, परंपरा रही है इस मंदिर की, कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो मक्कूमथ गांव के पुजारी हैं। जब यहाँ पर सर्दियाँ पड़ जाती हैं तो बाबा तुंगनाथ की डोली को नीचे मक्कूमथ गांव में ले जाया जाता है। ये सदियों से हो रहा है और ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो सदियों से बाबा की पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर में पूजा की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले हमें दर्शन करने होते हैं काल भैरव के, उसके बाद माता पार्वती, फिर गणेश जी, गणेश जी के बाद नंदी जी, नंदी जी के बाद हम भगवान तुंगनाथ के यानी कि भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं।
जो बाबा तुंगनाथ का मेन मंदिर है उसमें तो फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि अंदर भुजा जैसा एक शिवलिंग है और उसके पीछे भगवान शिव की मूर्ति है, बाकी और भी बहुत सारी मूर्तियाँ अंदर पड़ी हुई हैं। मेरी ये वीडियो तो थी बाबा तुंगनाथ मंदिर के बारे में। अभी ऊपर चंद्रशिला का ट्रैक है 1 किलोमीटर का, अब वहाँ जाऊँगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा, आप लोग वो देख लीजिए।